हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा वीलॉग टाइप और अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस दोस्तों, और थोड़ा सा सोशल सर्विस या क्या बोलें, सोशल मैसेज देने की कोशिश करूंगा मैं। जिस किसी को भी देश के प्रति थोड़ा प्यार हो और कुछ करने की मतलब चाह, तो वही इस वीडियो को देखे। या फिर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, यानी कि इस मतलब इस वीडियो में जानकारी ही मिलेगी आपको, बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो शुरू करें। ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और लॉकडाउन होने के बाद आई थिंक मेरे को याद नहीं कि कितना दिन हो गया, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मतलब और भी 2 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन बाकी है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मुझे पता नहीं कि वहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब सब सामान्य हो जाएगा या फिर एक्सटेंड होगा। दोस्तों मुझे पता नहीं, जहाँ तक मेरा गट फीलिंग है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये एक्सटेंड अप टू 30 अप्रैल होगा और उससे आगे होगा मेरे को पता नहीं है। तो दोस्तों मेरा तो काम काज अच्छा चल रहा है, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, मतलब उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि घर से काम नहीं कर सकते। और जैसे भी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि भले ही लोग काम करें या ना करें, उनका सैलरी ना काटे, सैलरी मिलना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो लोग घर से काम कर सकते हैं, जैसे मैं, क्योंकि उनका नॉन डिपेंडेंट काम होता है यानी कि ऑनलाइन होता है, तो उनका तो काम चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अब कहूँ मेरे पर्सनल थिंग की, जो काम के अलावा तो बहुत मुश्किल है। तो मैं 4 या 5 दिनों के बाद अब मैं बाहर गया, तो बाहर जाके ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने के लिए गया था, जैसे फुटबॉल गया था मैं घर के पास, तो कुछ खाने पीने का चीज़ें लाना था तो लाया। एक चीज़ नोटिस किया दोस्तों कि पिछले हफ्ते देखा तो पूरा स्टॉक था, और इस हफ्ते दोस्तों स्टॉक्स कम हो गया एसेंशियल चीज़ों का। जब मैंने पूछा, वो लोग बोले कि सर जो स्टॉक हम तो खुला रखे हैं, लेकिन जो लोग को स्टॉक लाना है, मतलब दूसरे सिटी से या दूसरे स्टेट से या हेड ऑफिस से, वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि ये कहीं ना फैल जाए, इसलिए वो नहीं आ रहे, इसलिए शॉर्टेज हो रहा है। हाँ, बेसिक चीज़ें लेकिन चावल दाल साबुन वगैरह है, लेकिन जैसे मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला। और जैसे एक एसेंशियल चीज़ जो हैंड वॉश होता है वो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन अच्छा है कि मेरे पास थोड़ा भी है। और सैनिटाइजर मैं पहले ही लेके रखा था, कोशिश करूँगा कि वो 15 तारीख तक आ जाए, अगर नहीं आया तो मेरे को कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे शैम्पू हो गया, मतलब और भी सोप हो गया मिक्स करके, अदरवाइज वी आर मैनेज। दोस्तों 95% मैं देखा हूँ कि सब लोग अडियर कर रहे हैं इस पॉलिसी को, यानी कि लॉकडाउन जो भी कर्फ्यू है उसको मान रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी मान रहा हूँ। तो मैं देखा तो रोड में एकदम खाली था, लेकिन जो कुछ भी थे वो सिर्फ मेडिकल के लिए आए थे, जैसे मैं भी आज मेडिकल के लिए गया था, और जो भी आए हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने के लिए आए हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ़ोटो डाल दूंगा, हो सके तो वीडियो भी डाल दूंगा जहाँ पर गया था मैं। और एक चीज़ है कि जहाँ पर भी सुपरमार्केट हो या कोई भी दुकान हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, मतलब एक बक्सा की तरह, बॉक्स की तरह किया, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, कि 2 फीट का डिस्टेंस है दोस्तों, हर 2 फीट में एक बंदे को खड़ना है, जो नॉर्मल की तरह मतलब ज़्यादा एक करके एक के बाद एक नहीं खड़ सकते, वो एक चीज़ अच्छा है। और मास्क पहनना आपके लिए अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। प्लस आप दुकान के अंदर जाओगे, जैसे फुटबॉल के अंदर एंट्री करोगे, आपको सैनिटाइज करके जाना है, वैसे तो मैं घर से ही सैनिटाइज होकर आया था। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे सुपरमार्केट में आप जाओगे, कितने भी लोग जा सकते थे, मतलब 15 20 25, अब ऐसा नहीं है, वो शायद मुझे जहाँ तक याद है 5 या 6 लोग से ज़्यादा वो नहीं छोड़ रहे, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब 10 लोग, तो जैसे मानो कि 4 या 5 लोग को अंदर छोड़ रहे हैं। जब वो 5 लोग में से 1 2 बंदे जैसे आएंगे, वैसे ही अंदर भेज रहे हैं 1 2 बंदे को, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छा किया गया है। तो सर ऐसा ही हम करते जाएंगे और भी कुछ दिन, थोड़े दिन, तो सीरियसली मतलब ये चेन बिल्कुल टूट जाएगा, ये क्या बोलते हैं इन्फेक्शन का, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये 14 अप्रैल जो दिया है, और भी थोड़ा एक्सटेंड होना है, अगर एक्सटेंड होगा तो और भी अच्छा, जितना एक्सटेंड कर सके, जितना दिन लॉकडाउन में हो उतना ही अच्छा है दोस्तों, मेरी बात मानो, जितना लॉकडाउन हो उतना ही अच्छा है ये इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। हाँ, हमारे लिए थोड़ा बुरा हो सकता है कि घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं घूम रहे हो, लेकिन हमको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताएं नीचे। चीज़ मैं न्यूज़ देखा दोस्तों, हो सके तो मैं इस यहाँ पे छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, कि इंडिया भारत
बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर रहा है इस कोविड-19 को, यानी कि कंट्रोल करने को या चेन कट करने को बहुत ही अच्छा है। तो और देश भी हमसे इम्प्रेस हुए हैं, स्पेशली यूएस एंड यूके, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टर के साथ, पीएम के साथ कोलाबरेट करके वो हमारा, यानी कि एडवाइस लेना चाहते हैं कि हमने कैसे कंट्रोल किया, कैसे कर्फ्यू लगा के, मतलब कैसे चेन को टूटने का, इतना मतलब परफेक्टली जा रहा है हमारा। अगर देखा जाए तो छोटे मोटे प्रॉब्लम है जैसे कि आपको पता है, लेकिन अदरवाइज इन ऑन दी होल इट इज़ गोइंग ऑन परफेक्टली राइट गाइस। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे मेंटेन किया जाता है। Now, India has accomplished the feat of organization, a video conference between eight nations in just 48 hours. Prime Minister Modi is the first world leader to have called for a joint action plan between countries to contain the fast spreading outbreak. All SAARC nations welcomed India's move, saying that they want to work closely with New Delhi to chalk out a तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आज जस्ट शेयर करना था। और आप क्या सोचते हैं इस लॉकडाउन के बारे में मुझे बताइए, और आप कैसे बिता रहे हैं अपना दिन आप मेरे को बताइए। और जैसे कहा कि कर्फ्यू का ज़्यादा बाहर मत जाना, अगर कुछ काम है तभी तभी जाना, अदरवाइज जाना मत। और बस दोस्तों, और आपको पता है कि अगर कुछ अपडेट आएगा वीज़ा के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। और जैसे ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। विल बी इन टच टुगेदर गाइस। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, वॉश योर हैंड्स।